जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीक कैसे रहेगी बाजार की चाल। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि पांच इफेक्ट, पांच ऐसी बातें बताएंगे जिससे बाजार की दिशा तय होगी और निवेशकों को यहाँ पे करो या मरो का होगा बाजार। दोस्तों आपको बता दें, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है, जिस कंपनी के स्टॉक को खरीद रहे हैं उसका भविष्य आने वाले समय में कैसा रहने वाला है। किसी भी कंपनी के शेयर पर बाजार की दिशा का असर पड़ सकता है। आइए अगले हफ्ते बाजार की दिशा कैसे रहने वाली है हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं पाँच इफेक्ट। आज है दोस्तों रविवार, आपको भी पता है आज रविवार छुट्टी का दिन है। छोटे से लेकर बड़े निवेशक इस दिन शेयर बाजार की चाल को समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, जो अगले हफ्ते प्रॉफिट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हो। वह इस बात पर अपना समय खर्च करते हैं कौन सी कंपनी सोमवार को किसी खास वजह से मुनाफा या नुकसान का सामना करेगी। शेयर बाजार की दुनिया में एक कहावत बार बार दोहराई जाती है कि अच्छा निवेशक वही है। कौन सा है दोस्तों? अच्छा निवेशक वही होता है जो बाजार खुलने से पहले अपने रिसर्च के दम पर मार्केट की चाल समझ लेता हो। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उन छोटे निवेशक के लिए खड़ा हो जाता है कि वह इस बात का पता कैसे लगाए कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक स्टॉक मार्केट किस दिशा में बिजनेस करेगा। शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स के दोस्तों यहाँ पे आप जान सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं खास, यानी कि अगर घरेलू और विदेशी मार्केट में हुई हलचल पर निर्भर करता है। अगर हम किसी खास कंपनी की बात करें तो उसके प्रोजेक्ट, बिजनेस ग्रोथ, कंपनी की तिमाही रिपोर्ट और नए प्रोजेक्ट के मिलने से होने वाले नफा नुकसान से तय होता है। आने वाला हफ्ता भी इन्हीं सभी बातों का गवाह बनने जा रहा है, जिसमें महंगाई दर रिपोर्ट, कंपनियों की रिपोर्ट, कच्चा तेल और डॉलर के बदलते रुख यहाँ पे शामिल है। इन पांच बातों से तय हो सकती है दोस्तों मार्केट की दिशा। जो पांच बातें कौन कौन सी है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, इन कंपनियों के शेयर पर यहाँ पे दोस्तों दिख सकता है सर। यानी कि रैली गेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के उपाध्यक्ष अजित मिश्रा ने कहा कि कंपनियों के तिमाही नतीजों तथा वैश्विक बाजार के रुख पर सभी की निगाह रहेगी। सोमवार को बाजार इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के तिमाही नतीजों पर प्रतिक्रिया देगा। इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, तो आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए, देख सकते हैं। और निजी क्षेत्र के सबसे बड़ा ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को मार्च में समाप्त तिमाही के नतीजे यहाँ पे घोषित किए, और तिमाही के दौरान बैंक का एक जो लाभ है जो कि 20% यहाँ पे बढ़कर 12,594 करोड़ रुपए पहुंच चुका, तो बहुत ही बड़ी खबर यह है। इन्फोसिस के बृहस्पतिवार को घोषित चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद के अनुकूल नहीं रहे थे, तो ये देखिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर है। एक बढ़िया खबर है तो एक घटिया खबर है, तो यहाँ पे इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और बीएससी का जो सेंसेक्स है दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ता हुआ लगातार 7 दिन चढ़ रहा है। शुक्रवार को अंबेडकर जयंती की वजह से मार्केट में यहाँ पे छूट रही थी, 3 दिनों से लगातार मार्केट बंद है और मार्केट मंडियों में खुलने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पे मिला जुला करवा आपको होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे विदेशी जो निवेशक है वो लगातार मार्केट पैसा यहाँ पे डाल रहे हैं और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट जोड़ रहे हैं, इन्फोसिस के रिजल्ट थोड़े ज्यादा कमजोर आए हैं। इसी के साथ मार्केट की चाल यहाँ पे दोस्तों आगे आने वाले जो हफ्ता है वो इस प्रकार मिली जुली कारोबार यहाँ पे रहती नजर आ सकती है। लेकिन एचडीएफसी बैंक के जो समूह है उनमें दमदार रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बैंकिंग स्टॉक्स में दमदार रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिनमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है और भी एसबीआई बैंक में, इनमें दमदार रिटर्न देखने को मिल सकता है, ऐसा दोस्तों एक्सपर्ट यहाँ पे बता रहे हैं। और बाकी जो दोस्तों मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे इंट्राडे कॉल मिल जाएगी, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब यहाँ पे कर लीजिए और टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिए बिल्कुल फ्री के अंदर, एसएस मार्केट न्यूज सर्च कीजिए। और व्हाट्सएप पे दोस्तों आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा, जहाँ पे दोस्तों मिलती है 90% की एक्यूरेसी के साथ दमदार कॉल्स। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।